हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिकर्जन। रिकर्जन बहुत हॉट टॉपिक है एंड काफ़ी डिमांडेड टॉपिक है। और डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो कह सकते हैं कि विदाउट रिकर्जन आप डेटा स्ट्रक्चर्स DSA के मास्टर नहीं बन सकते हैं। इसी वजह से हमने एक नई सीरीज़ शुरू करी है रिकर्जन की, जिसमें हम बेसिक प्रोग्राम से लेके एडवांस प्रोग्राम तक एडवांस प्रोग्राम को रिजॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। नॉट ओनली बेसिक प्रॉब्लम्स लाइक ट्री की प्रॉब्लम्स, ग्राफ की प्रॉब्लम्स, एज वेल एज डायनामिक प्रॉब्लम, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज एक नए बेसिक प्रॉब्लम से। वन बाय वन हम सबको देखेंगे। आज मैंने जो प्रॉब्लम चूज़ किया है वो फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सबने ही अपनी प्रोग्रामिंग लाइफ में किया होगा, बिकॉज़ बहुत इजी प्रॉब्लम है, एज वेल एज हमारे आई मीन कॉलेज टाइम पे तो बनता ही है, मतलब सभी करते हैं। फैक्टोरियल को मैंने लास्ट टाइम किया था, एक डिफरेंट वे में किया था, लूप की हेल्प से किया था, बट आज हम रिकर्सिव वे में इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिले कि आखिर रिकर्सिव और नॉर्मल फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व करते हैं, रिकर्सिव के हेल्प से सॉल्व करते हैं, तो दोनों में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस होता है और क्यों प्रेफर किया जाता है रिकर्सिव तरीका। सबसे पहले देख लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि फैक्टोरियल अगर हम 5 का निकाल रहे हैं तो 5 से पीछे जितनी भी एलिमेंट हैं लाइक 4, 3, 2, 1, इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमारा फैक्टोरियल में काउंट होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट केस फर्स्ट की, तो यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल मतलब कि 5, 4, 3, 2, 1 का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 120। इन द सिमिलर फैशन 4 का फैक्टोरियल 4, 3, 2, 1, दैट मीन्स 24। सो हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन दिया गया है, हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है। कंपनी की बात करूँ तो ये देख सकते हो, बेसिक प्रोग्राम होने की वजह से भी ये सैमसंग, विप्रो, मॉर्गन स्टैनली और बहुत सारी कंपनियों में पूछा जा चुका है। तो अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम आपको पहला सॉल्यूशन दिखाते हैं जो मैंने सॉल्व किया था। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लूप पे बेस्ड था, तो आप देख सकते हो। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला बिकॉज़ ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अब मैं इसको रिकर्सिव तरीके से सिर्फ 2 लाइन में मैंने सॉल्व कर दिया है। कहने का मतलब रिकर्सिव प्रॉब आता ही इसी वजह से है कि लाइन ऑफ कोड कम कर दिया जाता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जाता है। अब आते हैं रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एनी रिकर्सिव प्रॉब्लम। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है हमारा बेस केस। बेस केस में हम क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन लिखते हैं जहाँ पे हमारा रिकर्सिव कॉल रुकना चाहिए। रिकर्सिव कॉल मीन्स ए रिकर्जन इज अ थिंग, आई मीन फंक्शन विच कॉल इट्सेल्फ, अपने आप को ही ये फंक्शन कॉल करता रहता है। तो ऑब्वियसली इसको कहीं ना कहीं हमें ब्रेक करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक बेस केस लिखा हुआ है। ये बेस केस ये कहता है कि हम जो भी एन की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आई मीन जिसका भी फैक्टोरियल हम निकालना है, अगर वो एन लेस देन 1 इक्वल टू 1, आई मीन लेस एंड इक्वल टू 1 है, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम क्या करेंगे, 1 रिटर्न कर देंगे और यही हमारा बेस केस होगा। किया क्या है हमने कि हम फैक्टोरियल की कॉल अगेन एंड अगेन लगाते हैं आफ्टर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी हमारी हो रही है और हम एक रिकर्सिव कॉल भी लगा रहे हैं। इसको मैंने सिंगल लाइन में कर दिया है, आप चाहो तो 2 लाइन में ब्रेक कर सकते हो। तो मैंने जैसा बताया कि रिकर्सिव फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं। एक में हम कैलकुलेशन प्रिपेयर करेंगे, पहला हमारा बेस केस हो गया, दूसरे में कैलकुलेशन प्रिपेयर करेंगे, तीसरा हम अपने आप फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा। वो दोनों मैंने मिक्स कर दिया है। फैक्टोरियल का नेक्स्ट स्टेप हमने एन क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है। लाइक अगर एक एग्जांपल ले 5 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से 5 हमारा आया और हमने क्या किया है, अगली कॉल में हमने 5 माइनस 1, आई मीन 4 के लिए कॉल कर दिया है। और जो भी रिटर्न में वैल्यू आ रही है हम साथ के साथ एन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लाइक अगर 5 से आई थी वैल्यू तो हम 4 के लिए कॉल तो लगा दिया साथ के साथ, लेकिन जो भी आएगा 4 का फैक्टोरियल हम उसको क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन द सिमिलर फैशन अगेन ये आएगा,
तो 5 अगली कॉल हमारी 3 के लिए तो लग जाएगी, बट वो n की वैल्यू तो 4 हो गई, तो 4 के इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 5 का फैक्टोरियल का, मतलब कि 5 के साथ 4 का फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई, 4 का फैक्टोरियल के साथ 4 का फैक्टोरियल का मतलब कि 4 के साथ 3 का फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन। तो यही हो रहा है यहाँ पे। अब इंटरनली होता क्या है कि ये जैसे जैसे, अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, तो स्टैक में हमारा ये सारा मेंटेन होता है। अगर आपको नहीं पता है तो रिकर्सिव कॉल हमारी स्टैक में मेंटेन होती है। तो पहली कॉल हमारी 5 के लिए जाएगी, फिर 4 के लिए जाएगी, फिर 3 के लिए जाएगी, फिर 2 के लिए जाएगी, और 1 पे हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो जैसे ही 1 पे ब्रेक हुई तो फिर वो बैक ट्रैक स्टार्ट कर देगा, तो 1, 2, 3, 4 अगेन वो आएगा। तो जैसे ही वापस आता है तो ये सारे कैलकुलेशन हमारे हो जाते हैं और फाइनल हमारा आउटपुट ये निकल के चला आता है। इस प्रोग्राम को मैंने रन किया है, आप देख सकते हो 2-3 बार रन कर दिया है और सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। सो दिस इज़ द थिंग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है तो डोंट वरी, अभी हमने बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट किया, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन रिकर्सन। सो ग्रेजुअली हम रिकर्सन को बहुत अच्छे से समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको क्लियर है। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।